Sabe, irmão, lá que passa por mim. Por lá que eu aprendi a falar aqui. Unke pivai hai, vehi ko sajaye de. Unke pivai hai, vehi ko sajaye de. Aur sach bata. उस शहर की असबर क्या है,
उसकी अजमतें क्या है, इसका मुकाम मरतबा क्या है। एक आम आदमी को समाज में को समझाने के लिए शायद ये आसान अल्फाज है, जो तेरे नगर का नजारा करेंगे, जो तेरे नगर का नजारा करेंगे, अजीब जन्नत में जाकर गुजारा बेटा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे हर बच्चे को सरकार ने शहर किया, हम देख रहे हैं तो कोई ना कोई टीम बने मारा सरकार की जान के सब चाहे अल्लाह के अल्फाज। हम ये हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है कि सरकार की जुबान से जो बात निकली वो पूरी होगी, होता नहीं हमारा अकीदा है। हम देख रहे हैं सलाउद्दीन साहब क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने साहब का भी थोड़ा दिन पहले कर रहे हैं और बड़े साहबजादा और रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया था कि बेटा जो दर्दे पाक को पाबंदी से पढ़ा करता और जो सरकार की माते पाक पढ़ा करता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उसको जरूर सरकार की और मैदान क़यामत का मंज़र आप हज़रात उमर के नाम से सुनते हैं। क़यामत का मंज़र क्या होगा, हदीस पाक का मफ़हूम का मुख्तसर जुमला, क़यामत के मंज़र का यह हाल होगा कि एक बेटा अपने बाप के पास जाकर कहेगा कि अब के एक दिन की जरूरत नहीं है, एक दिन सारे मेहनत का है लेकिन एक दिन की होगी तो मेरा पल्ला भारी हो जाएगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो क़यामत के मंज़र हदीस के पास है, क़यामत के मंज़र में वाजिब कहेगा कि मेरा दुनिया में कोई बेटा छोटे ज्ञान ये बयान है। तो इस मंजर शायद नक्शे सरकार शाम के हकीकत को ऊपर के साथ क्या कहता है, तो पर से के बादल उधर को तो पर से बख्शिश के लिए हजरत आदम अलैहि सलाम के पास जाए, आदम अलैहि सलाम कहेंगे जाओ इस अबू इलाके के जाओ जाओ किसी दूसरे के पास जाओ, तो उम्मत हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास जाए, वो भी कहेंगे जाओ इस अबू इलाके के जाओ जाओ किसी दूसरे के पास जाओ, हजरत ईसा के पास जाए वो भी ऐसे कहेंगे, जब ईसा अलैहि सलाम कहेंगे जाओ इस अबू इला मुहम्मद ही जाओ मुहम्मद के पास, तो सरकार फरमाएंगे आओ मेरे वो दिन आएगा जब के खुद अंबिया भी, वो दिन आएगा जब के खुद अंबिया भी वो मोहम्मद मोहम्मद करेंगे, मोहम्मद मोहम्मद